ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर जो भीड़ उमड़ी है उससे भाजपा और मोदी सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने हेतु पत्र लिखा है। ये स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा का उद्देश्य बढ़ते जन समर्थन से घबरा कर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का है। दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में रैली की थी जहां किसी भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई। कोविड की दूसरी लहर में पीएम ने बंगाल में बड़ी रैलियां की थी। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीतिक ना होकर उन्हें चिंता जायज है तो उन्हें सबसे पहले पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। और इस खबर को और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता दशरथ सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, गहलोत सरकार को एक पत्र यहां पर लिखा गया है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वो पत्र लिखा है कि ये जो रैलियां यहां पर राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है उससे कोविड बढ़ने का यहां पर, क्योंकि अब लगातार देखा जा रहा है चीन में कोविड-19 के जो वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं गहलोत सरकार ने भी ट्वीट करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राहुल गांधी को ये पत्र लिखा गया था और राहुल गांधी की तरफ देश भर में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकल रही है उसको कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल की उसमें पालना नहीं हो रही, कोविड प्रोटोकॉल की पालना उसमें हो, इस तरह का पत्र राहुल गांधी के नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लिखा गया। उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का जनसमर्थन देश और प्रदेश में मिल रहा है, और राजस्थान में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी तो लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़े, उनके साथ बातचीत की या उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की, इससे घबराकर कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है जिससे भारत जोड़ो यात्रा है उसको प्रभावित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने तंज में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर त्रिपुरा में रैलियां की थी और देश जब दूसरी बड़ी कोरोना लहर से गुजर रहा था, लगातार मौतें हो रही थी, उस वक्त बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी बड़ी रैलियां कर रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, इस तरह के आरोप जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए। हाँ, ये जरूर है कि चाइना के अंदर लगातार कोविड का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है, वहाँ लगातार मौतें हो रही हैं और वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर वहाँ पर जो कुल आबादी है उसका 60% हिस्सा कोविड की चपेट में होगा, इस तरह के वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका मानना है। और भारतीय सरकार ने भी कल एक एडवाइजरी जारी की थी कि राजस्थान या अन्य जो स्टेट्स हैं या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट हैं वो तमाम स्टेट केंद्र सरकार मिलकर काम करें और वहाँ पर कोविड पेशेंट आता है तो उसका टेस्ट जरूर कराएं, उसका जो सैंपल है वो केंद्र के पास भेजें ताकि हालात नहीं बिगड़े। आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बैठक ली गई है और बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन केंद्रीय मंत्री की तरफ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पत्र लिखना अपने आप में अब सियासी बवाल इसमें शुरू हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से इस पर पलटवार किया गया है। अब हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मसले पर रिएक्शन सामने आए। जी दर्शित, वहां अगर बात की जाए राजनीतिक तौर पर तो यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया है वो सच में सामने आ गया है, लेकिन अगर सच में बात की जाए कोविड-19 के मामले अब लगातार चीन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सच में इस तरह की जो राजनीतिक रैलियां हैं उन पर रोक लगानी चाहिए? देखिए, रैलियां बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर कोविड बढ़ेगा, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हालांकि अभी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार देश में आ रही हैं और चाइना से भी बताया जा रहा है कि चाइना से दूसरे रास्ते भारत में कई फ्लाइट्स एंटर कर रही हैं, चाइना ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं दूसरे जो देशों में जाती हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई है। तो सबसे पहला काम जो फ्लाइट्स आती हैं उन पर रोक, या उनसे जो यात्री आते हैं जो कहीं ना कहीं चीन से लिंकअप करते हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान, साथ ही उनके टेस्टेड वो हों, टेस्टिंग उनकी कैसे हो प्रॉपर ढंग से एयरपोर्ट पर, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया तो निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से काउंटर होगा और जब बीजेपी की तरफ से काउंटर होगा तो कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी, कांग्रेस की तरफ से भी काउंटर होगा। लेकिन देश में अभी हाल के माहौल की बात करें तो लगातार
कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही और साथ ही शादी समारोह या बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो किसी एक को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर सबको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है तो बीजेपी की भी रैलियां नहीं होनी चाहिए या फिर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो भी नहीं हो, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। आप एक चश्मे से सबको देखें, न कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जाकर आप ये कहें कि इसकी वजह से कोविड प्रोटोकॉल बढ़ा है या इसका उल्लंघन हुआ है या इससे कोविड की केसेस बढ़े। केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो केंद्र सरकार सत्ता में है। ऐसे में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, पिछली बार भी जब सेकंड लहर आई थी, फर्स्ट लहर आई थी, उसमें भी जब देखा गया तो बाहर से कोविड जो है उसके पेशेंट इंडिया में आए और उसके बाद वो लगातार उसका जो रूप है वो बढ़ा और उसके बाद सेकेंड लहर में कई लोगों की मौतें हुई। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से देखना जरूरी है कि सहयोग स्टेट्स का रहेगा अगर केंद्र के साथ में, तो केंद्र बेहतर ढंग से कोविड के खिलाफ लड़ पाएगी, इसका प्रोटोकॉल जो होता है उससे लोगों को जागरूक कर पाएगी और लोग उसकी पालना कर पाएंगे। चलिए दर्शक।